खबर कवर्धा से। यहाँ पर दो समुदाय के बीच हुए संघर्ष के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ पर रमन सिंह पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए पीड़ितों और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। साथ ही राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी करेंगे। तो वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम रमन सिंह को नसीहत भी दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह को कवर्धा जाना चाहिए क्योंकि वो उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके से राजनंदगांव के सांसद संतोष पांडे और रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह ने वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, वो बिल्कुल गलत है। यही कारण है कांग्रेसियों की जबान में जो बातें आ रही है वो यही बात आ रही है, राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश, और ये राजनीति करते करते 3 साल में कवर्धा को जला डाले। यही तो मैं चाहता हूँ कि कवर्धा में शांति हो और इस प्रकार की मानसिकता जो कवर्धा में पनप रही उसको समाप्त होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कवर्धा उनका गृह जिला है, रमन सिंह जी को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन कवर्धा जाकर उन्हें अपने पुत्र अभिषेक सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे के द्वारा जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो रैली निकाल के वहाँ पे तनाव को बढ़ाने की कोशिश की गई, उसके लिए कवर्धा की जनता से रमन सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए कि उनके पुत्र के गलत हरकतों के कारण आज कवर्धा जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। यहाँ की उपलब्धियों को बताएंगे आपको।